बाहरी दिल्ली की सुल्तानपुरी थाना पुलिस टीम द्वारा वैध गांजा बेचने वाली एक महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। महिला के कब्जे से पुलिस ने 885 ग्राम गांजा बरामद किया है। महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। दरअसल बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा द्वारा वैध ड्रग्स और शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए। निर्देशों का पालन करते हुए सुल्तानपुरी थाने के स्टाफ ने गुप्त जानकारी विकसित करनी शुरू की। इसी कड़ी में 10 जुलाई को एसआई दीपक को एक महिला ड्रग पेडलर के बारे में सूचना मिली, जो पीर बाबा मजार सुल्तानपुरी दिल्ली में मौजूद है और इसके पास अवैध गांजा है। गुप्त जानकारी के अनुसार एसएचओ सुल्तानपुरी को अवगत कराया गया और एक छापेमारी दल गठित की गई, जिसमें महिला स्टाफ कर्मचारी भी शामिल थी। गुप्त सूचना देने वाले की निशानदेही पर रेड की गई और महिला को हिरासत में ले लिया गया, जिसकी तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 885 ग्राम गांजा बरामद किया। महिला पहचान संतरा देवी और कल्लो देवी के रूप में हुई, जो कि दिल्ली के सुल्तानपुरी की निवासी है। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने पुलिस खुलासा किया कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और अपने जीवन यापन के लिए गांजा बेचना शुरू कर दिया। वो पहले भी दो आपराधिक मामलों में शामिल पाई गई। आगे की पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो एक अमित नाम के व्यक्ति से गांजा खरीदती है, जो उसे फुल पार्क जलेबी चौक पर मिलता था। बहरहाल सुल्तानपुरी थाना पुलिस द्वारा पकड़ी गई महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और ड्रग तस्कर अमित को पकड़ने के लिए आगे की जांच की जा रही है। जगत न्यूज 24 के लिए सुल्तानपुरी से अनिल वर्मा की रिपोर्ट।